हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और सुबह 5 बजे उठकर मैं और मॉम मॉर्निंग वॉक भी करके आ गए हैं। और अभी मैं आई थी यहाँ पे अपने नेबर के पास। के पास ना बहुत बड़ा करी प्लांट है, तो मैं बहुत सारे करी लीव्स लेके आई हूँ। तो थोड़ा आज अभी ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ पोहा बनाऊँगी, तो पोहा करी लीव्स के बिना ना अच्छा नहीं बनता, वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं जस्ट अभी वही लेने गई थी। कद्दू क्या बन गया? लड्डू आराम से ना नहीं है। कौन है? लड्डू है। क्या हो रहा है? हेयर कट? हेयर कट नहीं, नहीं मिलना नहीं है। अरे अच्छा, अभी भी हो गया आपको है ना? दिनों के बाद मिल रही हूँ आप सभी से। एक्चुअली इस बीच क्या हुआ था कि ना, मैं इतनी बीमार थी कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ ब्लॉग करूँ या घर का कोई भी काम करूँ। तो हुआ यूँ कि हम सारे बीमार पड़ गए थे, और पिछली बारी सीरीज में बीमार पड़े थे पहले रमेश, फिर लड्डू, फिर मैं और फिर मम्मी। तो सब बीमार पड़ गए थे। अब पता नहीं, ये टाइम ही शायद वो वायरल फीवर वगैरह का रहता है, तो शायद मतलब वही हुआ होगा हमें। तो इतनी मतलब ठीक भी हो गई थी, 2-3 दिन का फीवर था मुझे, और इतना कोल्ड का कफ वगैरह, और 2 दिन बीमार पड़ी रही, बेड पे ही थी मैं। और उसके बाद ठीक भी हो गई थी, लेकिन इतनी वीकनेस हो गई 2 दिन के अंदर ही कि मैं क्या बताऊँ। और अभी भी ऐसा है कि हाँ ना, बिल्कुल एकदम चिपक चिपक सा रहा था, मतलब बहुत अनईजी सा फील होता है। तो जो भी है, अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा बातचीत की जाए आप सभी से, और अपना व्लॉग भी बनाया जाए। आज है फादर्स डे, और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो आज रमेश लड्डू को बहुत ज़्यादा कीमती तोहफा देने वाला है, वो ये कि आज रमेश अपना बहुत सारा टाइम लड्डू के लिए निकालने वाला है। एक्चुअली आज है संडे, और संडे यूजली रमेश को बिल्कुल टाइम नहीं होता, ऑफिस ही रहता है उसका हमेशा, लेकिन आज उसने बोला कि आज छुट्टी है और आज सारा टाइम लड्डू का। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि रमेश ने अपनी जो जॉब है वो स्विच कर ली है, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो उसने बोला कि स्विच करते हैं। क्योंकि पिछले वाले ऑफिस में सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया था, एक कंफर्ट जोन भी आता है ना, 1-1.5 साल आप काम करते हो, लेकिन क्या है वहाँ पर टाइम का बहुत इशू था, संडे भी छुट्टी नहीं थी। तो अभी यहाँ पर क्या है, सुबह 10 बजे का टाइमिंग है और शाम को 7 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो बहुत इजी हो गया। और मेरे लिए भी ना बहुत हैक्टिक फ्री लाइफ हो गई है। सुबह लंच भी मेरे को ज़्यादा भागा दौड़ी करके नहीं बनानी पड़ती है, और बहुत रिलीफ है। तो जो भी है, मैं पहले थोड़ा बहुत वैसे कर रही थी कि पता नहीं नई जॉब है कैसा रहेगा कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि अभी घर का काम भी हो रहा है। और एक जगह आप होते हो, आपको पता होता है कि सारी चीज़ें ठीक है, कम्फर्ट जोन में आप, तो मैं कहीं ना कहीं नहीं जा रही थी। फिर रमेश ने बोला यार कर ही लेते हैं, तो अच्छा डिसीजन रहा हम लोगों को। और आज लड्डू के साथ साथ हमें भी टाइम मिलेगा थोड़ा, कि रमेश हमारे लिए भी टाइम निकाल रहा है,
तो बस यही है कि ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और रमेश ने शुरुआत कर दी है। आज अभी लड्डू को लेके गया है वो हेयर कट के लिए। लड्डू के बहुत ज़्यादा लंबे बाल हो रखे थे तो उसको मतलब हेयर कट ज़रूरी था, तो आज उसने बोला कि आज तेरा पहला यही काम कराता हूँ। उसके बाद अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत निकलेंगे बाहर और अपने पुराने वाले लोकेशन में जाएंगे, वहाँ गौरसडी मॉल वगैरह जाएंगे, थोड़ा लड्डू को थोड़ा खिलाएंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग यही सब चलेगा। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं पूरे दिन हम लोग। चलो कहाँ चली खुले पजामे वाली लड्डू? ये जीन्स है, जीन्स इतना तेल लगाते हो भाई, कितना तेल लगा लिया निकाल के बोलो हैप्पी फादर्स डे, बोलो बोलो फादर्स डे, बोलो बोलो हैप्पी, अच्छा बोलो बोलो हैप्पी। मास्क ले लिए थे? हाँ हैप्पी बोलो, हैप्पी बोलो। उठा लिए थे जो रखे थे मैंने? हाँ हाँ। नहीं बोलोगे? नहीं बोलेगा, नाराज हो गए लड्डू, नाराज हो गए लड्डू। मम्मी आज तो हमें फादर्स डे के दिन हमें गिफ्ट मिल गया, रमेश का टाइम बहुमूल्य, टाइम बहुमूल्य। अब तो हर संडे मिलेगा, सही बात है। क्यों रमेश इधर उधर मत हो जाना, संडे संडे बहुत मुश्किल से तुम पकड़ में आए हो, ठीक है? प्रॉमिच लड्डू रमेश, प्रॉमिच। प्लोमिच, लड्डू का प्लोमिच, लड्डू का प्लोमिच। आम देख के लालच नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने जो मना कर दिया। मम्मी का जो अभी थोड़े दिनों पहले, हाँ मम्मी का जो थोड़ी देर पहले, अभी थोड़े दिनों पहले जो चेकअप वगैरह चल रहा था, फिर टेस्ट भी करवाए थे, तो शुगर निकला है। तो अभी 6 महीने हर चीज़ परहेज करने के लिए बोला है, कह रहे हैं कि अगर 6 महीने हर चीज़ कर ली तो जल्दी आप सब कुछ खाने लग जाओगे। तो वही मम्मी अभी कह रही थी कि अब तो आम देख के भी लालच नहीं हो रहा, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई ना अभी 1-2 हफ्ते की, तो जल्दी जल्दी खा लो मम्मी, नए घर में सब कुछ खाना है, वो मतलब अभी परहेज कर लो फिर नए घर में सब खाएंगे। लड्डू ने क्या कराया? हेयर कट, हेयर कट, हेयर कट। हां बोलते हैं ना, धीरे बोलते हैं ना। यहां पे बोल दो कौन सा लेना है। नूडल्स, 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 नूडल्स खाना है ना, चाउमीन, नूडल्स, चाउमीन, सब कर लिया है, क्योंकि फूड मतलब मॉल में ना इतना, एक तो संडे है इतना रश होता है और फूड कोर्ट में कुछ ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हमने बोला आराम से पीसफुली लंच कर लेते हैं। और अभी हम लोग तो उतर गए थे, रमेश अभी पार्किंग करके आ जाता है, फिर हम लोग साथ में अंदर चलेंगे। तो मॉल में एंटर करते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए टाइम जोन में, और लड्डू के लिए पहली बार आ रहा था लड्डू, और यहाँ आके लड्डू इतना मज़े किए उसने, और हम लोगों ने भी बहुत मज़े किए। ऐसा लग रहा था जैसे हमने भी अपना बचपन जी लिया, बहुत सारे राइड्स लिए, बहुत सारे गेम्स खेले। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि हमने कितनी मस्ती करी है यहाँ पर।
भाई साहब पूरा दिन निकल गया ऑलमोस्ट, कितना ऑलमोस्ट 3 घंटे खेले ना हमने वहाँ पे, 3-4 घंटे खेले, बहुत मज़ा आया, सबको इतना मज़ा आया, मैंने भी खेला, लड्डू ने भी खेला और रमेश ने भी बहुत मज़े किए। और कितना हमने 1000 रुपीज़ का रिचार्ज कराया था, पूरा वसूल किया और फिर और टिकट्स भी हमने वो की, कलेक्ट की, फिर उससे और खेला और फिर मम्मी को भी मसाज करा दिया। मम्मी मजा आया था ना? हाँ, दो बार करा। हाँ, वो तुम्हारा जो हेड हिल रहा था उसमें मजा आया देख के, तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने, पूरा मतलब पैसा वसूल था। और हाँ, और लड्डू को ना, लड्डू का ये हमने देखा कि लड्डू पहली बार ये सब कर रहा था और वो ना हर चीज को देख के ना इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम अभी खेलने जा रहे हैं, वो इतना जिद कर रहा था और हर जगह फैल जा रहा था, तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा तंग किया लड्डू ने हमें, बट बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। तो बस अभी हम लोग उसके बाद मैक्स भी गए थे, रमेश ने तो सीधा बोला कि अब निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया, फिर हम लोग सीधा मैक्स गए। मैक्स से बस 5 मिनट में मैंने शॉपिंग थोड़ी बहुत की और उसके बाद हम लोग आ गए। और मैक्स में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिल गई थी, और पहला टाइम था तो मैं इतना मतलब फ़ोटो वोटो ले नहीं पाई, मैं मतलब बस बातें बातें करने में लग गए थे हम लोग, तो बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मिला मुझे। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस घर, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया, शाम के कितने 6:30 हो गए हैं, तो अब चलते हैं और क्या कहते हैं, बस बहुत इन्जॉय किया, अब घर चलते हैं। हाँ बेबी, बेबी नाई नहीं करता है लड्डू, कौन करता है नाई नाई, बेबी नाई नहीं करता है लड्डू, के पास तो था अभी नीला वाला। हाँ नीला वाला ले, हाँ अब तो बड़ा घर भी है, ले सकते हैं वैसे तो, मजे करेगा लड्डू बाहर। वो टैप भी है, उसको भर लेंगे उससे है, पानी फिल करके अपना मस्त अपना स्विमिंग पूल इसका रेडी, मेरी गोदी में बैठ देख लो, मजे आए थे मसाज में, मजे आए हाथ को भी, वो घुसा रखा ना ऐसी लवर है। अच्छा, और यहाँ वैसा सो रहा था, मम्मी को तो हेड ऐसे से हिल रहा था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अरे वहाँ हम लोग जा रहे थे, दिखता था, मैंने एकदम से देखा तो एक आंटी उसमें थी, तो मैंने बोला आंटी आपका अभी चल रहा है, कह रही नहीं बस जस्ट ऐसी बैठी हूँ, मैंने बोला अच्छा तो फिर हम ले ले, कह रही हाँ ले लो। देखो देखो चील नारियल पानी पाइप में से होके आता है, चार लगा नहीं बिखर जाए, तो इतना मजा आया, मैंने बोला मम्मी के लिए तो ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने रमेश मम्मी का एक्टिवेट करो और मम्मी को बिठाते हैं। आली बाबली कैसा है लड्डू, अच्छा है? 60 रुपए में 3 ग्लास हो गया, जुगाड़ बढ़िया नहीं है मम्मी, अच्छा है और लाऊ एक है, कैसा है और दू लड्डू पिलाने के लिए, लो ठीक है लो लड्डू दे दो, लो पी लिया लड्डू, पी लिया अगले में तेरे में पी लूंगा लड्डू को दे देता हूँ, लड्डू ने भी लिया ले बेटा, ले और ले 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 मम्मी ला, ढाल दो इसको थोड़ा सा, लड्डू को थोड़ा ढाल दो, कोई नहीं ले मैं तेरे में से पी लूंगा थोड़ा सा, लो बेटा आराम से, बिखरा अरे वो बर्फ जमा रखी, पाइप में से होता हुआ आता है,
लाऊं एक गिलास और? नहीं अच्छा है पर आज हमारे की पाइप में जो होता था हां थोड़ा बर्फ के पानी भी आ गया नारियल पानी के साथ बुझले सॉलिड ना जेटा हमरा का एटा तो सॉलिड ये थोड़ी सॉलिड हां लेकिन वो गरम रहता ना इसका थोड़ा रेफ्रिजरेटर हां यार मम्मी एक गिलास और लाऊंगा 500 बोला था अब देखो अब लड्डू का बर्थडे है एक बार तब ले आएंगे उतने से उस दिन सुबह जल्दी आएंगे और पहले पॉइंट इकट्ठा खाएंगे लास्ट में आते आते 2-3 हजार हो जाए टॉय मिल जाए मम्मी रमेश को तो क्रेज हो गया आज का समय लड्डू तभी तो पार्टी भर रहे हैं मंदा नहीं सुनो ना लड्डू से ज्यादा तो रमेश ने ज्यादा खेला है ऐसे नहीं मिलती बाल्टी छोड़नी पड़ती है तुम बाल्टी ले लो 1000 रुपए बाल्टी होई जे छोटा वाला नहीं वो अपनी टिकट रखने के लिए मिलती है बाल्टी टिकट वाली मैं कलेक्ट करने के लिए मिलती है वो बकेट घर लाने के लिए नहीं होती वो अपने पास है किट दे वो वहीं छोड़ देते हम मम्मी कह रही है वो बाल्टी ले लेते हैं मम्मी को डायनासोर से ज्यादा बाल्टी की बड़ी है